बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, हमारे लिए और सब के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश खुर्रम रखे, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करते रहें, और वीडियो को भी देखते रहें। फ्रेंड, वीडियो को देखें तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड, जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिए। उससे ये है कि आपको हमारी न्यू अपडेट टाइम पर मिल जाती है, यानी कि हमने क्या वीडियो अपलोड की है जो आप टाइम पर देख सकते हैं। अगर तो हमारे चैनल पर आपको कोई वीडियो हमारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना ना करना अपनी एक खुशी होती है कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वैसे ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप को वीडियो अच्छी नहीं लगी तो तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी की खुशी के लिए। फ्रेंड, किसी को खुशी देना कितनी अच्छी बात है, यानी कि नेकी में शुमार होता है। किसी को दिली खुशी हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो फ्रेंड, फिर तो लाइक बनता है ना, तो चलिए आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो हमारे चैनल पर पहले से हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर पहले दिन से हैं, जो कि कमेंट्स करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है उनका लोगो देखकर, उनका मोनोग्राम देखकर, उनकी बातें सुनकर। वो हमारे लिए कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजते हैं। तो फ्रेंड, हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने सब्सक्राइबर के लिए अच्छी अच्छी बातें करें और उन्हें दुआएं भी दें और उनसे अपने लिए दुआएं भी करवाएं, क्योंकि दुआएं लेनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए। तो फ्रेंड, हर शख्स को दुआ की ज़रूरत है, तो दवाई से ज़्यादा दुआ लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं हमें डॉक्टर के पास जाएं, वो उनका एक रोज़ी का ज़रिया भी होता है, मगर दुआ करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ अर्श मौला पे भी जाती है। और जब किसी बीमार से, किसी दुखे हुए दिल से, किसी मजबूर से दुआएं करवाए जाएं तो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। फ्रेंड, मैं आज मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो लेकर आई थी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न थे, कोई शूज़ थे, कोई नेकलेस था, कोई फ्लावर थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि तकरीबन मुख्तलिफ थी। तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं। मैंने आपसे गपशप की तो ये बताना ही भूल गई थी कि इसमें मैंने क्या क्या आज आपको दिखाया। इसमें हैंडबैग भी हैं, पाउच भी हैं, और ज्वेलरी भी दिखाई गई है, सॉक्स भी दिखाए गए हैं। देखिए कितना प्यारा शूज़ है। इस तरह का शूज़ आप इजीली बना सकते हैं, और ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। जो इससे पहले था वो बहुत ईजी था।